आज आपका जो चैप्टर है आपका 19, इस चैप्टर 19 में एक पॉइंट चलेगा कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? ऐसे प्रकार स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत रहता है तथा समय के साथ न बदलें तो ऐसे तो उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक, अब है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है? जब एक प्रकाश स्रोत से समान आवृत्ति की दो तरंगें संचरण करती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे चलता है इसका प्रयोग क्या है। देखिए, यंग का प्रयोग है। यंग के प्रयोग में हम तीन स्क्रीन लेते हैं, तीन पर्दे लेते हैं। एक पर्दे में एक रेखा छिद्र होता है, दूसरे पर्दे में दो रेखा छिद्र होता है, तीसरे पर्दे में कोई रेखा छिद्र नहीं होता। इनको एक दूसरे कुछ दूरी पर रखते हैं, इसके बीच में कम दूरी रखते हैं और इस पर हम जो है एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो इससे हमारी द्युतक तरंगें निकलती हैं तो दूसरे स्रोत S1 S2 पर गिरती हैं जिससे नई द्युतक तरंगें उत्पन्न होती हैं और स्क्रीन के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। वहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है तो वहाँ जो हमारी वो प्रतिस्पंद बनते हैं और प्रतिस्पंद में तीव्रता अधिकतम होती है तो दीप्त तरंगें बनती हैं और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है जहाँ निष्पंद बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रिंजें, अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। तो हमारी जो तीव्रता होती है वो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के समूह के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो कितने पर्दे लेते हैं? तीन पर्दे। एक पर कौन सा डालते हैं? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी प्रकाश स्रोत एक सिर से दूसरे पर गिरता है, दूसरे से इस पर्दे पर गिरता है तो हमें दीप्त और अदीप्त जो है प्रतिरूप दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिरूप व्यतिकरण। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसके डायग्राम के बारे में बताया है। अब यहाँ जाइए, यंग का प्रयोग क्या है। माना L एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र S है, इसके आगे दूसरा पर्दा M है जिसमें दो रेखा छिद्र S1 S2 हैं। ये दोनों S समान दूरी पर हैं और कुछ दूरी पर तीसरा पर्दा N है और ये S से एक वर्णी प्रकाश स्रोत डालते हैं तो पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। इन पट्टियों को फ्रिंजें कहते हैं और इन फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह तैयार करना है, इसे याद करना, मैंने आपको लिखकर भेज दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं।